फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं काठी कबाब और रुमाली रोटी का लुफ्त उठाने के लिए। आइए ट्राई करते हैं। भैया एक प्लेट लगा दीजिए। हमारी बिल्कुल फ्रेश काठी कबाब और रुमाली रोटी आ चुकी है। यहाँ पे रुमाली रोटी की पहले से प्रिपेयर की हुई नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश रुमाली रोटी बनाई जा रही है। आइए अब इसका टेस्ट करें। बहुत लाइट है ये रुमाली रोटी। लाजवाब, बहुत ही शानदार है टेस्ट इसका। 100 रुपीज़ की प्लेट है। आप जब भी आएँ इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हमने चावड़ी बाज़ार में काठी कबाब और रुमाली रोटी खाई। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि यहाँ से बोल रहे हैं बहुत रेगुलर लेते हैं। आइए जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहित गुप्ता। मोहित जी, आप कब से ले गए हैं भैया से? जी, मेरा तो एक्चुअली ननिहाल भी यहीं है और मेरा घर भी यहीं है। अच्छा। तो मैं तो यहाँ कम से कम 12-13 साल से आ रहा हूँ। जब कभी 13 साल से आप रुमाली रोटी और काठी कबाब? जी बिल्कुल, जब से चल रहा है चलन। एक्चुअली जब से 40 से 50 रुपए प्लेट थी, अब मेरे को 100 रुपए है। 100 रुपए प्लेट कर दिया इन लोगों ने टेस्ट जब से। लेकिन हाँ, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इन लोगों की। एक अच्छी बात ये पुरानी दिल्ली की, और खाने में बहुत ही वही टेस्ट है। पैसे बेशक बढ़ गए महंगाई को हर चीज़ को देखते हुए, लेकिन ये है कि उसमें किसी भी चीज़ की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इवन मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। देखिए, मैं आप देख सकते हैं, मैं पैक करा के घर ले जाऊँ। जैसे कि जी, थैंक यू सो मच मोहित जी। थैंक यू, हैव अ नाइस। थैंक यू। आपने देखा, अभी हमने जाना कि क्या कितने सालों से भैया जो है यहाँ पे आके काठी कबाब और रुमाली रोटी खा रहे हैं। आइए जानते हैं भैया से थोड़ा कि ये कब से बना रहे हैं, या ये इनके पेरेंट्स पहले बनाते थे, जनरेशन टू जनरेशन ये शिफ्ट हुए हैं, या क्या प्रोसीजर और क्या मसाले यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगा है मुझे यहाँ पे। आइए थोड़ा जान। ये कब से बना रहे हैं? मम्मी, हम तो दादा के टाइम से बना रहे हैं। दादा के टाइम से आप थर्ड जनरेशन हो गए। और मसाले वगैरह काफ़ी अच्छे हैं आपके, आप क्या यूज़ करते हैं इसमें? घर वालों, जो पापा बनाते हैं वही ले आते हैं, हमें पता नहीं क्या लगा। मतलब इनका तो एक सीक्रेट है, ये इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वेरी ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए, वरना काम कैसे चलेगा भाई। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं आगे क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। देखते हैं, हम एक बार फिर से जामा मस्जिद के सामने हैं। आइए थोड़ा और आगे चलें और जायकों का लुत्फ उठाएं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं उर्दू बाजार में है और कितना हजूम भरा हुआ है इस समय। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पूरा का पूरा बाजार गुलजार है। मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ वही लोग हैं। कोई एक ऐसी शॉप भी नहीं है जिस पे लोग ना हों। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं नवाब कुरैशी की शॉप पे, जो कि मोहब्बत के शरबत के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। आइए ट्राई करते हैं मोहब्बत का शरबत।
क्या क्या ऐड करते हैं भैया आप इसमें? प्यार मोहब्बत मजा। देखा फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं भैया, इसमें क्या ऐड होता है? प्यार मोहब्बत और मजा। तरबूज जा चुका है इसमें, दूध अफ्जा जा चुका है और दूध जा चुका है। और ये जो दूध है अमूल गोल्ड का यूज करते हैं, जो टेट्रा पैक में अवेलेबल होता है। एक ग्लास लीजिएगा भैया। फ्रेंड्स हमारा ग्लास आ चुका है, आइए ट्राई करें। बहुत बढ़िया, बहुत का शरबत है ये। आप जब भी आए यहाँ पे जरूर ट्राई करें। आइए जानते हैं कुछ लोगों से भी। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद आइस। अच्छा, कब से पी रहे हैं आप शरबत? ये 2-4 महीने हो गए। 2-4 महीने से? बचपन में कभी नहीं पिया? नहीं बचपन में। अच्छा, अभी खुद आके जब पीता है। अच्छा, अभी खुद आने लगे तब से पी रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपको कैसे लगता है भाई इनका शरबत? बहुत जोर का है इनका तो, बहुत जोर का है, बहुत जोर है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने ज्यादा शरबत के रिव्यूज लोगों से भी, आइए चलते हैं। फ्रेंड्स जब हम आ चुके हैं अपनी नामद भाई की दुकान पे, जो कि है पहाड़ी इमली पे, जगह के जगह का नाम है पहाड़ी इमली। आइए ये देते हैं गुड़ का शरबत, आइए ट्राई करते हैं। चलिए पहले इसको चखते हैं। पहले गुड़ के शरबत का लुत्फ उठाते हैं, फिर जानेंगे इसकी खासियत। आइए, बहुत बढ़िया शरबत है ये, बिल्कुल तड़ावट हो गई, मुझे थोड़ा सा ही पिया मैंने अभी, बिल्कुल तड़ावट कर देने वाला। गर्मी का मौसम है, बहुत रिफ्रेशिंग और स्वीट। फ्रेंड्स अब जानते हैं अखिल भाई से इस गुड़ के शरबत की खासियत। क्या खासियत है इस शरबत की? इस पेट की गर्मी, मसालों की गर्मी सब पेशाब कर रही हो निकल जाती है। अच्छा, ठंडा रहता है काफ़ी। अच्छा, और कितने टाइम से लगा रहे हैं आप यहाँ पे? ये तो कब से, 80 साल होगा वो, मेरे फादर के टाइम। हाँ, फादर ने लगाया। अच्छा, फादर के टाइम से ये समझिए 47 के बाद उन्होंने ही काम किया। 47 के बाद, फ्रेंड्स 47 के बाद से यहाँ पे ये गुड़ का शरबत मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने साल हो गए इसको, और ये तब से ही, ये जो बर्तन है तब से ही यहाँ पे वही बर्तन यूज हो रहे हैं। फ्रेंड्स आपने चाय तो हजारों पी होगी, क्या बटर वाली चाय पी है कभी? हम आ चुके हैं जामा मस्जिद के पास मटिया महल बाजार में, और ये भाई बनाते हैं बटर वाली चाय। आइए जानते हैं इन्हीं की चाय के बारे में, इन्हीं से पास पड़ता है और हम इन भाई के पास आए हैं। बटर वाली चाय और बटर वाली कॉफ़ी दोनों मिलते हैं ये लोग, तो आइए ट्राई करते हैं। जो शॉप का नाम है वजुद्दीन टी स्टॉल और चाचा चाय वाले के नाम से यहाँ बहुत फेमस है, आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको यहाँ तक आके छोड़ के जाएगा। आइए ट्राई करते हैं, एक चाय दे दीजिए भाई। कितने साल से बना रहे हैं आप यहाँ पे चाय? हमें तकरीबन 15-1 साल हो गए होंगे। 15-1 साल आप ही ने स्टार्ट किया या चाचा ने? चाचा ने। चाचा ने होता ना। चाचा चाय की बटर वाली चाय आ चुकी है, आइए टेस्ट करें। बहुत बढ़िया। व्हाइट मक्खन यूज करते हैं? अमूल बटर ही यूज होता है। कौन सा वाला? मेरे को व्हाइट लगा, मैंने तभी तो पूछा है।
चाय तो बढ़िया है लेकिन मक्खन कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? अच्छा वो नहीं बता रहे। फ्रेंड्स हमारे हिसाब से जो वाइट मक्खन होता है वो यूज़ किया जा रहा है। अगर भाई कह रहे हैं वो यूज़ नहीं हो रहा है अब वो बताएंगे भी नहीं कि कौन सा बटर यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमारी बटर वाली कॉफ़ी भी आ चुकी है, आइए अब इसे भी टेस्ट करें। बढ़िया, ये भी बढ़िया, लेकिन मुझे पर्सनली चाय ज़्यादा अच्छी लगी बटर वाली कॉफ़ी से। उसमें टेस्ट ज़्यादा निकल के आ रहा है बटर का, इसमें इतना टेस्ट माइल्ड हो जा रहा है, इतना टेस्ट का पता नहीं चल रहा है बटर का टेस्ट, लेकिन माइल्ड है। उसमें बहुत ज़्यादा इन्हांस होके आ रहा है टेस्ट, बटर का जो फ्लेवर है इन्हांस होके आ रहा है। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हाजी नदीम शाही शीरमाल ट्राई करने के लिए, आइए ट्राई करते हैं। आप देखिए कितने कितने वैरायटी के शीरमाल यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। देसी घी से लेके नॉर्मल शीरमाल तक यहाँ पे अवेलेबल है, 30 से लेके 400 रुपीज़ पर के जी। फ्रेंड्स यहाँ पे ये भैया ट्राई करने के लिए प्लेट लेके घूमते रहते हैं, कोई खरीदे या ना खरीदे ट्राई के लिए सबके पास सबके लिए अवेलेबल है। आइए हम छोटा सा पीस ट्राई करते हैं। लगा दे इसके मुंह ऊपर से। भाई अब भैया ये रखिएगा, ले भाई ले सबको। फ्रेंड्स हमारे पास आ चुका है शाही शीरमाल, आइए एक पीस ट्राई करें। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। ये मैदा से ये डो जो है प्रिपेयर किया गया है। अब उपल भाई जो है इस पे बादाम और क्या है पिस्ता, बादाम और पिस्ता लगा के इसे तैयार कर रहे हैं। अभी जैसे हमने ट्राई किया बाहर शाही शीरमाल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसमें क्या दूध वगैरह में प्रिपेयर होता है, क्या प्रिपरेशन क्या रहती है इसकी? सूजी बेसन मैदा दूध घी में इसका ये बेस तैयार होता है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, कितनी देर बना के रखना रहता है इसका बेस को? वो तो बेस तैयार कर देते हैं पहले यहाँ पे, फिर इसकी तैयारी करते हैं एंड टू एंड, कोई टाइम नहीं होता आधा घंटा छोड़ना या कुछ जी। बनाया और डोर तैयार जी, उसके बाद यहाँ पे तैयारी करते हैं ये पीस बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तैयारी करते हैं। बिलने से लेके तंदूर में जाने से लेके बाहर आके प्लेट में लगने तक बहुत क्विक प्रोसेस है यहाँ पे। बनने के बाद इसे देसी घी में डिप किया जा रहा है जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, डबल हो जाता है मस्त से। फ्रिज में रखेंगे अगर आप तो एक महीने डेढ़ महीने तक भी आप रख सकते हैं, और अगर आप जैसे रूम टेम्परेचर पर बाहर रखते हैं गर्मी का टाइम है तो 20 दिन बता रहे हैं बिल्कुल। फ्रेंड्स हमारा शीरमाल आ चुका है, आइए चले। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं कल्लन स्वीट्स पे खोया समोसा और पनीर जलेबी ट्राई करने के लिए, आइए ट्राई करें। फ्रेंड्स हमारा लक अच्छा नहीं है आज, खोया समोसा ख़त्म हो चुका है, आइए पनीर जलेबी ट्राई करते हैं। 83 ईयर्स से ये शॉप यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कल्लन स्वीट्स के नाम से। यहाँ पे आपको खोया वाला समोसा, पनीर वाली जलेबी और भी काफ़ी बेकरी के आइटम्स यहाँ पे आपको स्वीट्स में काफ़ी आइटम्स यहाँ पे मिलेंगे, आइए ट्राई करते हैं पनीर वाली जलेबी। पहले जैसे मैंने इसे बाइक किया मैंने मुझे फर्स्ट वर्ड यही निकला वाओ, जस्ट वाओ। ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया चलेगी।
नो डाउट पनीर और मीठा है तो हैवी तो है ही है। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हाजी टी पॉइंट की ओर और आइए हम ट्राई करने जा रहे हैं क्या खजूर का शेक। आइए भैया एक खजूर का शेक दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया है, मुझे लगता है अगर आप खाली पेट हैं और एक ग्लास खजूर का शेक पी लेते हैं तो आपका पेट जरूर भरने वाला है। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं शाही टुकड़ा कूल पॉइंट की तरफ, आइए ट्राई करते हैं शाही टुकड़ा। भैया ने हमें शाही टुकड़ा दिया है खाने के लिए कि आप खा के जाइए, आइए थोड़ा मिला के खा के ही देख सकते हैं। मुझे पहले रबड़ी ही हैवी लग रही है और शाही टुकड़ा और ऐड कर दिया, चलिए ट्राई करते हैं। वाकई में बहुत बढ़िया है, रबड़ी ठंडी है, शाही टुकड़ा गर्म है, तो एक गर्म ठंडा सा फ्लेवर का टेक्सचर जब हम मुँह में रख रहे हैं इसको तो एक गर्म और ठंडे का टेक्सचर हमारे मुंह में मेल्ट होके आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ट्राई करना चाहिए आपको। फ्रेंड्स दिल्ली है दिल वालों की और पेट भर के नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे ना, आदमी कमाता ही किस लिए है, इसीलिए तो कमाता है कि खाते जाओ पेट बढ़ाते जाओ। फ्रेंड्स अब मीठा हो गया, अब मीठे के साथ हम आज के दिन का एंड करते हैं। बहुत कुछ खाया हमने आज सुबह से, आपने देखा मेरे चैनल पे बने रहिए, जायकों की खोज यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, ये जारी रहेगी, पूरा देश भर में घूमेंगे हम जायकों की तलाश में। बने रहिए मेरे चैनल दिल्ली मस्ती पे, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, शब्बा खैर।